किसानों पर बोलने से पहले राहुल ने ली ट्रेनिंग। आजाद पटेल सिंधिया ने सिखाया कैसे हो बिगने। तीनों की ट्रेनिंग के बाद राहुल के फूटे बोल, लेकिन बोलते ही हो गए सोशल मीडिया पर ट्रोल। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। एक साल पहले ही कांग्रेस की कमान संभालने वाले राहुल गांधी लगता है अभी भी मंझे हुए नेता नहीं बन पाए हैं। विधानसभा चुनावों में जोर शोर से किसानों का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी को जब किसानों पर बोलने का समय आया तो वो नेताओं से पूछते दिखे कि उन्हें आखिर बोलना क्या है। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बदले से नजर आए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की तो आनन फानन में तीनों राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया। लेकिन जब इसके फैसले की जानकारी मीडिया को देने की बारी आई तो वो पास खड़े नेताओं की ओर देखने लगे कि आखिर उन्हें बोलना क्या है। राहुल गांधी की संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करने से पहले की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें साफ सुना जा सकता है कि जो सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम रेस से बाहर हो गए थे, वही सिंधिया राहुल गांधी को सिखाते नजर आ रहे हैं कि उन्हें बोलना क्या है। वायरल वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं से घिरे दिख रहे राहुल गांधी पर जब पत्रकारों ने सवालों की बौछार की तो वो पहले गुलाम नबी आजाद से बात करते दिखे, फिर पीछे खड़े अहमद पटेल से भी बात करते देखे गए। आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी को बोलने के लिए कहते दिख रहे हैं कि जो मोदी नहीं कर पाए वो मैं करके दिखा चुका हूँ। केंद्र सरकार से भी सहायता मिली, इस वायरल वीडियो की वजह से ट्रोल हुए राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार तंज कसा है। ट्विटर पर वायरल वीडियो पोस्ट करते हुए सवालिया अंदाज में कहा कि आजकल सपना दिखाने के लिए भी ट्यूशन लेनी पड़ती है। कि राहुल गांधी जी सपने दिखाने के लिए भी ट्यूशन ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं कि क्या बोलें, वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि उनके अपने शब्दों में उनको विश्वास नहीं, दूसरों के शब्दों का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अगर सपने दिखाने के लिए भी ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व के बारे में जनता को एक चौंकाने वाला संकेत देता है। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चाहे वो किसान का हित हो, चाहे वो आम नागरिक का हित हो, चाहे वो देश हित हो, लगभग गत 5 वर्षों में विकास के कई काम हमने किए हैं। हर उस काम को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं और 2019 में विकास के नाम पर एक बार फिर जनता नरेंद्र भाई मोदी को आशीर्वाद देगी। आज आपके माध्यम से यही मैं निवेदन और यही विश्वास व्यक्त करती हूँ। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर एक शख्स ने ट्वीट किया, मुझे उनके लिए बहुत दुख है जो सोचते हैं राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। किसानों की कर्ज माफी होने तक पीएम मोदी को न बैठने और न सोने देने की चेतावनी देने वाले राहुल गांधी पर एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, राहुल गांधी जी आप कृपया सो जाएं और उन्हें भी सोने दें।